कौन कौन है घर में? घर में बहन भाई है, पापा है, दादी है, सब है। तो ये तुम्हारे साथ ये हादसा कैसे हुआ, कैसे कटे दोनों पैर? एक्सीडेंट हो गया था ट्रेन से। कितने दिन हो गया? बहुत दिन हो गए, छोटा सा था मैं। तो बेटा यहीं रहते हो? पढ़ाई की? पढ़ाई नहीं। तो कैसे जिंदगी कटती है, कैसे मतलब? खाना पीना खा लेते हैं, सो जाते हैं, मांग के खाते हैं। तो मांग के खा के अपना गुजारा करते हो? कितने टाइम से बेटा यहाँ पे हो? बहुत दिन से। तो घर पे क्यों नहीं जाते आप? बस के वजह से नहीं जा पा रहे। घर कहाँ है आपका? है सुल्तानपुरी। सुल्तानपुरी तो करीब में है। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी सी उम्र में नशा क्यों करते हो? सर करता हूँ, आदत पड़ गई सर। आदत पड़ गई आपको? बेटा किस चीज़ का नशा करते हो? सुलेजन पीता हूँ बस। अच्छा बस। तो अगर जिस दिन ना मिले तो उस दिन क्या होता है? हुड़क लगती है फिर। अच्छा हुड़क लगती है। तो नशे के लिए फिर पैसा कहाँ से आता है, मतलब मांगते हो, भीख मांगते हो? अच्छा अगर हम आपको नशा मुक्ति केंद्र में डाल दें तो चले जाओगे? नहीं सर मैं नहीं। क्यों नहीं जाओगे? तो बेटा कभी कोशिश की नशा छोड़ने की आपने? कभी ऐसा हुआ कि कोशिश करी आपने नशा छोड़ने की? सर छोड़ दूँगा मैं धीरे धीरे। कितनी उम्र है आपकी? मैं 15। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डैनी। डैनी। अच्छा डैनी ये बताओ, कभी अफसोस होता है कि मैं क्यों इस ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, कीड़े मकोड़ों जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, बाहर पड़ा हूँ, कोई खाने को नहीं देता? सर अफसोस होता है। क्यों नहीं छोड़ते बेटा ये क्यों नहीं छोड़ते आप नशा? छोड़ दो सर। खाना खाया आपने? हाँ। क्या खाया? दाल चावल। कहाँ से आया? स्कूल मम्मी ने बनाया था। तो मम्मी आते देने के लिए? और ये मम्मी तुम्हारी? चलो तुम्हें कुछ दिलाएं, चिप्स वगैरह पानी वानी खुलाएं हैं? क्या कह रहे हो? कपड़े। कपड़े नहीं तुम्हारे पास? तो कपड़े तो तुम बेच दोगे फिर सारा? नशा कर लोगे? पहनूंगा। तुम नशा कर लोगे? नहीं सर मैं पहनूंगा। पहनूंगा। पहनोगे पक्का? आज सर इसको भी बहुत दिन हो गए। चलो खुश है? हाँ सर। हाँ खुश है ना? तो वादा करते नशा छोड़ोगे आप? हाँ। कितने देर में छोड़ोगे? आज से छोड़ दूँगा। आज से छोड़ दोगे? मुझे नहीं लगता तुम नशा छोड़ोगे। छोड़ दूँगा। छोड़ दोगे? चलो थैंक यू बोलो सबको। थैंक यू। थैंक यू। देखा आपने, 15 साल का ये बच्चा है और नशे की लत इस कदर लग गई है कि बिना नशे के रह नहीं सकता। हम चाहते तो इसको पैसे भी दे सकते थे, लेकिन इनको अगर हम पैसे देते तो शायद ये फिर से उसी ज़िंदगी में जाते, नशा करते। हमने कुछ कपड़े भी दिलाए हैं, लेकिन मैं अपील करना चाहूँगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि भाई नशे से कम बचें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, अपनी अपने परिवार की ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। तो आप लोगों से बस यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस भी जगह रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, वहाँ आस पास देखिए, आपको ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। आगे आइए, बढ़िए, 1000 मुशाहिद खड़ा हो, हर मोहल्ले, हर गली, हर इलाके में मुशाहिद खड़ा हो, मैं यही चाहता हूँ। और बहुत खुशी होती है जब मेरे पास फ़ोन आता है कि मुशाहिद भाई हमने भी एक काम शुरू कर दिया है। अपने अपने इलाकों में काम शुरू कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को लाइक कीजिए, यूट्यूब को लाइक कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो नीचे दिया हुआ है, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।